प्रजापति महाराष्ट्र दिल्ली प्रदेश 479 बच्चों के विवाह आज से पहले 479 लड़कियों के विवाह करवा चुकी है और 15 लड़कियों का आज है ये है और इतने विवाह करवा चुके हैं हम तन मन धन से साथ है प्रजापति महासभा के सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी था। प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश दिल्ली की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे पहले हमने ये प्रोग्राम हमारी संस्था ने शुरू किया था। हम चाहेंगे कि जो हमारा समाज है वो इस व्यवस्था का फ़ायदा ले और इसको आगे बढ़ाए और अपना व्यर्थ का पैसा बचा के अपने काम में लगाए। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। आज ये 23वां सामूहिक विवाह होने को जा रहा है, इसमें कम से कम लगभग 550 बच्चों की शादी हो चुकी है। इसके अंदर एक समय की भी बचत होती है, एक खर्चा भी कम लगता है और एक ही हर तरह की सुविधा होती है। इस सुविधा को देखते हुए पैसे की बचत को देखते हुए और समय की बचत देखते हुए आज के टाइम को देखते हुए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। प्रतापति महासभा के शादियों के समारोह में सबसे पहले तो ये लोगों को राहत दी जाती है, अलग से शादी करेंगे तो उसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत काम होता है और सामूहिक शादियों में तुम सिर्फ 5100 रुपये में शादी करते हैं। सारे रीति रिवाज सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसका कार्यक्रम करते हैं। महासभा दिल्ली प्रदेश इस वर्ष 23वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजन कर रही है और ये सामूहिक विवाह समारोह सभी समाज बंधुओं के सहयोग के माध्यम से ही आयोजित किया जाता है और इस सामूहिक विवाह समारोह में हम 15 जोड़ों का विवाह कर रहे हैं। अब आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। आपके सानिध्य में आज 23वां विवाह समारोह हो रहा है। देखिए, लगातार प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं और जगह जगह से लोगों को मोटिवेट करते हैं अपने अपने क्षेत्र में कि भी अपने बच्चों का जो युवा बच्चे हैं उनका जो विवाह है आपने सामूहिक विवाह समारोह में ही करना है। श्री राम सिंह खांडोदिया जी जो अध्यक्ष हैं प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश के, उनके ही सानिध्य में उनके ही देख रेख में हम ये प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम में थोड़ा हटके हमने ये कार्यक्रम किया है कि इस वर्ष हम सभी जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको तुलसी के पौधे दे रहे हैं ताकि उन पौधों को वो पौधारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान में रखते हुए कि भाई हमने अपनी पृथ्वी को बचाना है, जो जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है उसको हमें कम करना है, इस चीज़ का भी हमने विशेष ध्यान रखा है इसमें। 24वां जो विवाह समारोह जी जो अगला जो 24वां होगा जो वो तो पृथ्वी के गर्त में है, उसके लिए भी संस्था जो है प्रोग्राम करती रहती है, सोचती रहती है उसके बारे में। हमारी ये प्लानिंग ये है कि उसको हटकर हम थोड़ा अलग चलें क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस बार प्लास्टिक बैन किया हुआ है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम लोगों को भी मोटिवेट करें कि आने वाली, क्योंकि हमने इस जो पृथ्वी है इसको बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो आने वाले जो भी हम प्रोग्राम करेंगे 24वां प्रोग्राम करेंगे हम उसमें यही शपथ अपने बच्चों को दिलाएंगे जो विवाह के जोड़े होंगे कि हमने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, हमने कसम खानी है कि हम किसी भी आइटम। ये प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश का 23वां सामूहिक विवाह समारोह है। प्रजापति महासभा का एक ही उद्देश्य है कि इस समाज से दहेज रूपी राक्षस को ख़त्म करें और समाज में एक रूपता आए। हम सनातन धर्म संस्कृति हिंदू धर्म को मानने वाले उसकी एक इकाई है प्रजापति समाज और हम ये चाहते हैं कि समाज से जितनी भी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो। उसी कड़ी में सामूहिक विवाह समारोह एक है जिससे कि
फिजूल खर्ची को खत्म करके एक रूपता बढ़े। सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं।